तिबाती तिबाती का पत्पाका। नमस्कार, मैं इस वक्त लद्दाख यात्रा पर हूं और जैसे ही मैं लेह की मार्केट में पहुंचा, तिब्बतन मार्केट के, तो वहां पर एक सुंदर सा नृत्य पेश किया जा रहा था कुछ तिब्बतन महिलाओं के द्वारा। तो इसके बारे में जानते हैं यहां के जो स्थानीय लोग। आंटी, डांस किस लिए होता है? डांस खुशी के लिए होता है। खुशी के लिए? हाँ। तो आप हमेशा डांस करते हैं? हफ्ता हफ्ता में करते डांस, ये दुकान वाले शॉप वाले से। अच्छा। अपना अपना ग्रुप होता है, अभी तो शुरू है। अच्छा। डांस करने का कभी ये अभी आज तिब्बती लोग करता है, बाद में एक हफ्ते के बाद लद्दाखी करता है, इसके बाद गांव वाला है उसे डांस करता है, वो खुशी मिलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्टेंजिन है। अच्छा, तो स्टेंजिन, ये हमेशा होता है या कभी कभार? हमारे जो टिबेटियंस हैं, मतलब ये हर जगह पे वेडनेसडे को डांस करते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या मैसेज देने की कोशिश होती है? ये जो चाइना से अपराइजिंग होता है ना। अच्छा। अपराइजिंग, इसलिए मतलब इसको व्हाइट वेडनेसडे कहा जाता है। व्हाइट वेडनेसडे। हाँ। जो तिबेटियन आए हैं। हाँ। वही लोग ये करते हैं। हाँ, जो टिबेटियन, मोस्टली टिबेटियन करते हैं, मतलब जहाँ पे, मतलब हर जगह पे जो वेडनेसडे में ये सेलिब्रेट करते हैं, मतलब डांस करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लद्दाख में सारे एक लोग रहते हैं, तो आप बता रहे हैं कि लद्दाख में तिब्बत के लोग जो रिफ्यूजीज हैं वो आए अलग हैं, और जो तिब्बत, जो लद्दाखी हैं अलग से लोग, वो अलग हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस तो नहीं, मतलब बिलीफ एक ही है, मतलब थोड़ा ये होम टाउन अलग अलग, धर्म तो एक ही है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि दलाई लामा का जन्मदिन होगा 6 जुलाई को, तो उस दिन बड़ा सेलिब्रेशन होगा। हाँ, बड़ा सेलिब्रेशन होगा, जैसे कि लेह में जो चोकलमसर में जीवेसल करके वहाँ पे हुआ, मतलब हर जगह होता है, जैसे कि चंगथंग साइड में हल्ले होता है, जैसे कि करगिल साइड होता है, मतलब अलग अलग जगह पे, मतलब जो बहुत ऐसे, मतलब वास्ट सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं। बड़ा मॉनेस्ट्री है ना, बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेशन होते हैं उनका जन्मदिन का। अच्छा। हाँ जी। तो मैं देख रहा था कि पिछले कई समय पहले यहाँ से बहुत बड़ा आंदोलन भी तिब्बत से लगातार चल रहा था, ले से पर्यावरण को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसा है ना कि मतलब आज क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि दिल्ली में और चंडीगढ़ जैसे हर जगह में क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब पूरा ग्लेशियर पिघल रहा है, तो यहाँ पे पानी का भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि ऊपर से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए। क्योंकि आपने कितना जब आप छोटे थे तो आपने कितना बदलाव देखा यहाँ पर, बर्फ कितनी पीछे चले गई, ठंड कितनी कम हो गई? हाँ, बहुत बदलाव देखा, मतलब पिछले साल ही देख लो, अब बहुत बर्फ कम हो, ऊपर से टेम्परेचर भी बहुत घट गया है ना। अच्छा। क्योंकि वैसे तो सितंबर अक्टूबर में ठंड स्टार्ट हो जाता था, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में बहुत, नवंबर दिसंबर तक गर्मी है। अच्छा। तो आप भी, आपका जन्म यहीं का है? यहीं का है सर। अभी लद्दाख के हैं? हाँ, लद्दाख ही हूँ मैं। तो आपने कितना बदलता है यहाँ के एनवायरनमेंट, कितना बदलता है? छोटे थे सर उस टाइम, लगभग हमारे यहाँ तक बर्फ होता था, अभी तक गर्मी के दिनों में तक जी, गर्मी तो बिल्कुल इतना होता ही नहीं था। अभी आप टी शर्ट में घूम रहे हैं लद्दाख के, देखिए शाम के 8 बजे हैं और आप टी शर्ट में, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, पूरा हॉल लद्दाख में भी बहुत गर्मी है, और बर्फ जो है ग्लेशियर वगैरह है, पहले जमाने तो बहुत वो होता था ग्लेशियर होता, अभी तो पिघल के नाम के ही ग्लेशियर है, इतना है ही नहीं बिल्कुल, अब नहीं बचा है कुछ, नहीं बचा। तो आप लोग पिछले बहुत समय से यहाँ पर, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उसके लिए, तो कितना सपोर्ट करते हैं आप लोग उसे? उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ। अच्छा। मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे। लेकिन चेंजेस हुए हैं? चेंजेस तो, चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्लाइमेट चेंज हुआ है? क्लाइमेट चेंज तो बहुत हुआ है, वो तो चेंज तो, एनवायरमेंटल चेंजेस तो बहुत हुआ है, बड़ा चिंता का विषय है, वो तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो एक सवाल और आपसे, कि बहुत सारे आपके दोस्त भी जा रहे हैं, एवरी वेडनेसडे होगा, अब पिछले वेडनेसडे अगर आए होगा तो तब भी देखा होगा, अगले वेडनेसडे भी आए होगा तब भी ये देखा होगा, मुझे यहाँ पे भी होगा, मतलब वहाँ पे स्टेट बैंक के सामने कोई कोई दिन में होता है। अच्छा।
तो चलिए, तो देखिए एक मैसेज देने की कोशिश है, एक यूनिटी की यूनिटी का मैसेज देने की भी कोशिश है, जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे लद्दाख के, और यहाँ पर जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं, क्योंकि तिब्बतन मार्केट बगल में है, तो यहाँ पर ये हमेशा ये इवेंट होता है, ये छोटा सा एक डांस इवेंट कह सकते हैं आप इसे, यहाँ पर होता है। और साथ में अभी हम लोग लेह की मेन मार्केट में है, मैं आपको लेह का मेन मार्केट दिखाने की, ये लेह का मेन मार्केट है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट चेंज की, तो अभी 8 बज चुके हैं और अभी भी यहाँ पर लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में क्लाइमेट कितना बदला है। ऐसी लगातार लेह लद्दाख की जानकारी देंगे, इस टूर पर निकले हुए हैं इंडिया.com की टीम निकली हुई है, देखते रहिए इंडिया.com।